कनेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड दिया हुआ है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड दिया हुआ है। ठीक है, इसमें यदि हम लोग बात करें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइक्लिक के साथ ये क्या कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है और साथ में एंटी एरोमेटिक है। कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है इसलिए इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें बैक टू बैक दो डबल बॉन्ड दिए हुए हैं, तो ये कौन सा डबल बॉन्ड है, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है। और इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिया हुआ है ये आइसोलेटेड नेचर का है, मतलब आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। ठीक है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो स्टेबल होना चाहिए वो कौन सा होगा, एक्स। ठीक है, एक्स के बाद कौन सा होना चाहिए, अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, एक्स के बाद होना चाहिए डब्ल्यू। ठीक है, कौन सा होगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद होना चाहिए जेड, क्योंकि ये वाला क्या है, कुमुलेटेड बैक टू बैक डबल बॉन्ड है। और सबसे लास्ट में आंसर आना चाहिए वाई, क्योंकि इसका नेचर एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर पे भी। तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।